हाँ तो मित्रों, क्या हाल चाल? अच्छा अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। हाँ तो भाई यार, आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल का सस्ता वर्जन, कार सेलर सिमुलेटर 2023। भाई यार ये गेम लगभग कार फॉर सेल की तरह ही है। तो गाइज यार गेम देखो स्टार्ट हो चुका है, और भाई यार ये है अपनी गेम के अंदर की ऑफिस, जिसका नाम है फ्री कमाल लूट लो मेरे लाल। पिछली बार भाई यार जब मैंने इस गेम को खेला था तब हमारे पास थे $3,00,000, लेकिन भाई यार आज हमारे पास है $13,97,000। और भाई यार आज मैं जा रहा हूँ पूरी की पूरी कार मार्केट को खरीदने, क्योंकि मैं पैसों में अंधा हो गया हूँ। $13,97,000 है मेरे पास, ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ये पूछो कैसी कैसी गाड़ी खरीदूंगा। भाई यार जितनी भी गाड़ियां आप यहां पर देख पा रहे हो, थोड़ी ही देर में ये सभी गाड़ियां मेरी ऑफिस के बाहर दिखेंगी, सभी को मैं चुटकियों में खरीद लूंगा। शुरुआत करते हैं इस रेड मैकलारेन से। अरे तिरकी भाई यार, ये अकेली मैकलारेन ही $18,79,000 की है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे अरे गाइस, आप लोग चिंता मत करिए, इसी बात पर यार मैं आप लोगों को एक शेर सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद, किचल कोई बात नहीं जो मैकलारेन मेरे हाथ में नहीं। आए हाय हाय, किचल कोई बात नहीं जो मैकलारेन मेरे हाथ में नहीं। और कान खोल कर सुनो मिस्टर भौकाली बाबा, तुम मैकलारेन खरीद सको, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं। अबे धक धक धक, बिल्लू बिलबिले तू फिर से आ गया, चल भाग यहां से। तो गाइज यार ये था बिल्लू बिलबिला, इसका थोड़ा कैरेक्टर है ढीला, आप लोग इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ तो भाई यार अब हमने ये निश्चय किया है कि मैकलारेन को छोड़कर जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद है सबको मैं खरीदने वाला हूँ। और अभी भाई यार हमने ये रेड कलर की ऑडी खरीदी है, जल्दी से इसको टो करवा के पहुँचा देते हैं अपनी ऑफिस में। और भाई यार आप लोग देख सकते हो कि कार मार्केट में ढेर सारी कार्स मौजूद हैं। इधर भाई यार देखो, ये ब्लैक कलर की मर्सिडीज है, चलो इसको भी खरीद लेते हैं, क्योंकि भाई यार ये देखने में काफी ज्यादा सही लग रही थी, इसे भी टो करवा के पहुँचा देते हैं अपनी ऑफिस तक। इधर भाई यार एक मैडम जी बैठी थी जिनकी यार कार की कीमत थी $22,000। मैंने यार सोचा क्यों ना पहले महंगी गाड़ियों को खरीद लिया जाए, फिर बाद में भाई यार बची हुई गाड़ियों को भी खरीद लेंगे। अब भाई यार इन वाली मैडम से पूछते हैं तो इनकी भी कार की कीमत थी $28,000। मैंने सोचा कि चलो बगल वाले भाई साहब से पूछा जाए तो उनकी भी कार की कीमत थी $23,000। उधर भाई यार गाड़ियां सस्ती समझ में आ रही थी, इसलिए भाई यार मैं आ गया इधर और इन भाई साहब से पूछने लगा। इन भाई साहब ने बताया कि इस गाड़ी की कीमत है $116,000। तो भाई यार मैंने इसे पलक झपकते ही खरीद लिया और टो करवा के पहुंचा दिया अपनी ऑफिस में। और फिर भाई यार मैं बगल वाली मोहतरमा से कार की प्राइस पूछने लगा, जिनकी यार कार की कीमत थी $9,000। तो मैंने सोचा रहने दो, इसे नहीं खरीदते हैं। और फिर भाई यार मैं आ जाता हूँ इन वाली मैडम जी के पास, लेकिन यार इनकी भी कार की कीमत होती है $16,000। मैं इसे, अरे भाई मैं घूम फिर के वापस मैकलारेन के पास पहुंच गया क्या? भाई यार मैकलारेन के बगल में जो ये बुगाटी चिरॉन है ये $32,00,000 की है, मतलब की यार मैकलारेन से ज्यादा महंगी है। और यार मैं कार मार्केट में मैकलारेन को सबसे महंगी कार समझ रहा था। अब भाई यार कार मार्केट में रहने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, मैं जा रहा हूँ अपनी ऑफिस। बड़ा आया था पूरी की पूरी कार मार्केट खरीदने, कार्स की कीमत सुनकर ही हवा टाइट हो गई। अरे बिल्लू बिलबिले, अभी भी मेरे पास $9,00,000 है, आधी कार मार्केट तो मैं अभी भी खरीद सकता हूँ। वापिस मैं ऑफिस इसलिए आ गया हूँ क्योंकि अब मेरे पास 4 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, पहले इनको मॉडिफाई करा के सेल पर लगाने दो ताकि इन्हें खरीदने कस्टमर्स आए और मैं वापिस से कार मार्केट में जाके कार्स को परचेज कर सकूं। अरे डीजे वाले बाबू, कभी हमारी भी सुन लिया करो, दिन रात तुम बस गाना ही सुनते रहते हो। हाँ तो भाई यार मैंने इस BMW का कलर रेड कर दिया क्योंकि यार रेड कलर में ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। अब यार जल्दी से इसके टायर भी चेंज कर देते हैं। भाई यार मुझे ये 37 नंबर के टायर काफी ज्यादा पसंद आते हैं, मैं यार ज्यादातर गाड़ियों में यही फिट कर देता हूँ। अच्छा हाँ, अब भाई यार डीजे वाले बाबू को बोल के थैंक्स, मैं ले जा रहा हूँ अपनी BMW को ऑफिस में लगाने सेल पर। भाई यार इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा सही है। इस बार भाई यार मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑफिस के सामने कस्टमर्स का मेला लगे, इसलिए भाई यार मैं सभी कार्स को मॉडिफाई करा के अपनी ऑफिस के बाहर खड़ा कर दूंगा और फिर सभी को एक साथ सेल पर दूंगा ताकि एक साथ ढेर सारे कस्टमर्स आ सके। मस्त प्लान है। हाँ तो भाई यार अब मैं एक एक करके सभी गाड़ियों को ले जा रहा हूँ डीजे वाले बाबू के पास ताकि भाई यार मैं इन सभी गाड़ियों का पेंट और टायर्स चेंज करा सकूं। ओए डीजे वाले बाबू जल्दी से काम पे लगो। हाँ तो भाई यार मैंने इस ऑडी का कलर ब्लैक कर दिया है, लेकिन यार ब्लैक कलर में मुझे ये कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। वैसे भाई यार ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन यार इसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भाई यार ये देखो येलो में कितनी ज्यादा ये ऑसम दिख रही है। वाओ, इसमें भी भाई यार मैं टायर तो 37 नंबर वाले ही रखने वाला हूँ क्योंकि यार ये टायर मुझे हर एक गाड़ी में अच्छे लगते हैं। एक बार फिर से भाई यार डीजे वाले बाबू को बोल के थैंक्स, ले चलते हैं अपनी ऑडी को ऑफिस में। चलने में भाई यार ये भी ठीक ठाक ही है, इसकी भी स्पीड सही है। और भाई यार इसको भी ले जाके खड़ा कर देते हैं BMW के बगल में। और इस तरह से भाई यार हमने 3 गाड़ियों को मॉडिफाई करा के अपने ऑफिस के बाहर खड़ा कर दिया है। अब भाई यार बारी है लास्ट गाड़ी की, क्योंकि भाई यार कार मार्केट से हमने सिर्फ 4 ही गाड़ियां परचेज करी थी। अब भाई यार जब हम इस गाड़ी को मॉडिफाई कराने के लिए डीजे वाले बाबू के पास ले ही जा रहे थे कि तभी यार रात होने लगती है। अब यार मैंने सोचा कि रात हो गई है तो डीजे वाले बाबू सो गए होंगे, लेकिन यार फिर भी मैं जाके चेक करता हूँ तो डीजे वाले बाबू तो मस्त यार आराम से गाना सुन रहे थे।
अब भाई यार रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, गाड़ी में हम जो भी कलर कर रहे थे वो यार ठीक से समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए यार मैंने गाड़ी में डार्क रेड कलर कर दिया और यार टायर वही 37 नंबर वाले फिट कर दिए। और फिर भाई यार हमारी गाड़ी लगभग तैयार हो चुकी है, डीजे वाले बाबू को बोल के थैंक्स हम ले जाते हैं इसको भी अपनी ऑफिस में। अब भाई यार रात काफी ज्यादा हो चुकी थी तो मैं आराम से जाकर अपनी ऑफिस में सो जाता हूँ। वेल गाइस यार अगली सुबह मैं कार मार्केट से 4 गाड़ियां और खरीद लाता हूँ और भाई यार अब हमारे पास टोटल 8 गाड़ियां हैं जिन्हें बेचकर भाई यार मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया। तो चलो भाई यार जल्दी से सभी गाड़ियों को सेल पे लगाना स्टार्ट करते हैं। भाई यार मैं जितनी भी गाड़ियां कार मार्केट से खरीद के लाया था सभी को भाई यार मैंने मॉडिफाई करा दिया, मस्त उनके ऊपर कलर वगैरह करा दिया है और साथ ही साथ में टायर्स वगैरह भी चेंज कर दिया है। कार्स को भाई यार मॉडिफाई कराने से उनकी प्राइस बढ़ जाती है। तो भाई यार ये रही मेरी टोटल 8 कार्स की लिस्ट जिसमें से सबसे पहली कार है BMW, इसका भाई यार मैं प्राइस चेंज करने वाला हूँ। $1,19,000 से हटाकर मैंने इसका प्राइस रख दिया है $2,19,000 और इसको लगा दिया सेल पर। दूसरी गाड़ी भाई यार है ऑडी RS7, इसकी प्राइस भाई यार है $1,39,000, इसको भाई यार मैं हटा के रख दे रहा हूँ $2,39,000। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा चलो थोड़ा कम कर दे रहे हैं। हाँ तो भाई यार मैंने ऑडी की प्राइस रख दी है $2,19,000 और इसको भी लगा दिया है सेल पर। अब भाई यार बाकी गाड़ियों को सेल पे लगाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना यार एक बार फिर से कार मार्केट चला जाए, क्योंकि भाई यार अभी भी मेरे पास $6,58,000 बचे हुए थे और यार मेरे अंदर चुल्ल मच रही थी क्योंकि यार मुझे अपनी ऑफिस अभी भी सूनी सूनी दिखाई दे रही थी। लेकिन यार जैसे ही मैं कार मार्केट की तरफ बढ़ता हूँ यार अचानक से फिर से अंधेरा होने लगता है और भाई यार एक बार फिर से रात हो जाती है, मजबूरन भाई यार मुझे अपने ऑफिस के अंदर जाके सोना पड़ता है। अब भाई यार सुबह उठकर जैसे ही मैं अपने ऑफिस के बाहर आता हूँ तो भाई यार कुछ कस्टमर्स मेरी 2 गाड़ियों को खरीदने के लिए आ चुके थे और यार ये वही 2 गाड़ियां थी जिन्हें यार मैंने कल सेल पे लगाया था BMW की। भाई यार ये वाला कस्टमर $1,60,000 दे रहा है, लेकिन यार मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने कितने में सेल में लगाया था। BMW को भाई यार मैंने सेल पर $2,19,000 में लगाया था, लेकिन भाई यार ये कस्टमर तो सिर्फ $1,60,000 दे रहा है। वेल गाइस यार 2 कस्टमर और आए हैं जिनमें से एक BMW खरीदना चाहता है और दूसरी ये मैडम जी हैं जो ऑडी खरीदना चाहती हैं। भाई यार वो जो बंदा पीछे खड़ा है ब्लू कलर की शर्ट में, लग रहा है यार वो भी ऑडी खरीदना चाहता है। रुको उससे भी प्राइस पूछ लेते हैं। हाँ तो भाई यार ये कस्टमर अपनी ऑडी के लिए दे रहा है $1,78,000, लेकिन भाई यार ये मैडम जी दे रही है $1,83,000। रुको यार मैडम जी से प्राइस बढ़ाने की मैं बात करता हूँ। हाँ तो मैडम जी अगर आप $1,93,000 देती तो ये ऑडी आपकी हुई। वेल गाइस यार मैडम जी ने अपनी ऑडी को खरीद लिया है। अब भाई यार BMW को खरीदने के लिए 3 कस्टमर्स हैं, जिनमें से भाई यार ये वाला बंदा दे रहा है $1,60,000 और दूसरा बंदा भी $1,60,000 और ये मैडम जी भी $1,60,000। भाई यार ये तीनों कस्टमर तो सेम प्राइस दे रहे हैं। रुको यार मैं पहले कस्टमर से प्राइस बढ़ाने के लिए कहता हूँ और यार इसने तो मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, दूसरे वाले से मैं $10,000 एक्स्ट्रा मांग के देखता हूँ। देखते हैं भाई यार ये खरीदता। ओके गाइस इसने यार अपनी गाड़ी को $1,70,000 में खरीद लिया है, बाकी के दोनों कस्टमर रिटर्न हो गए। अब भाई यार हमारे पास टोटल 6 गाड़ियां बची हुई हैं बेचने के लिए, तो चलो यार जल्दी जल्दी से उन्हें भी सेल पे लगाते हैं और देखते हैं कि इस बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। कार लिस्ट में भाई यार पहली गाड़ी थी मर्सिडीज जिसकी प्राइस थी $98,000, तो भाई यार मैंने इसकी प्राइस चेंज के कर दिया है $1,78,000 और इसे लगा दिया है सेल पर। अब भाई यार मैं चाहता हूँ कि गाड़ियों को एक एक करके बेचूं क्योंकि यार एक साथ कस्टमर आ जाते तो यार थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। पास ही पास में नजदीक गाड़ियां खड़ी हैं तो समझ में नहीं आता भाई यार कि कौन सा कस्टमर किस गाड़ी को परचेस करने वाला है, इसलिए भाई यार मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। 1-2 गाड़ियां और बिक जाने के बाद मैं सभी गाड़ियों को एक साथ सेल पे लगा दूंगा। वेल गाइस यार जो गाड़ी अभी हमने सेल पे लगाई थी उसे यार खरीदने के लिए एक बंदा आ चुका है और भाई यार ये इस गाड़ी के लिए दे रहा है $1,32,000। लेकिन भाई यार हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि भाई यार मैं नहीं चाहता कि इतनी सस्ते में मैं गाड़ी बेच दूं, इसलिए यार मैं सोच रहा हूं कि 1-2 कस्टमर और आ जाने दो। ओके गाइस यार देखो एक कस्टमर और आ चुकी है। अरे मैडम जी उधर कहाँ जा रही है? अरे मैडम जी पीछे देखिए मैं हूँ शोरूम का मालिक। गाइज यार मैडम जी तो पहले गाड़ी देखेंगी, मालिक को बाद में देखेंगी, लेकिन यार ये मैडम जी तो सिर्फ $1,33,000 दे रही हैं। रुको भाई यार मैडम जी से प्राइस बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ तो मैडम $1,93,000। अरे यार मना कर दिया मैडम ने। मैडम जी आपके लिए ऑफर $1,63,000 में। लो फिर से मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं भाई यार इधर एक कस्टमर और आ चुका है, लेकिन यार ये भी $1,31,000 कह रहा है, इससे भी यार प्राइस बढ़ाने की बात करते हैं $1,61,000 में लेना। अरे यार इसने तो पहले ही मना कर दिया। भाई यार ये कस्टमर $1,31,000 कह रहा है और ये वाला $1,32,000, लेकिन यार ये जो अपनी मैडम जी है वो $1,33,000 दे रही, मतलब इन दोनों से ज्यादा। मैडम जी आपके लिए आखिरी प्राइस $1,53,000 में ये गाड़ी आप ले जाइए। वेल गाइस यार फाइनली मैडम जी ने अपनी कार को $1,53,000 में परचेस कर लिया है। अब भाई यार हमारे
पास टोटल 5 गाड़ियां बची हुई हैं, तो चलो यार जल्दी से उनको भी सेल पे लगाते हैं। ये गाड़ी भाई यार $1,16,000 की, तो इसकी प्राइस बढ़ा के मैंने कर दिया है $1,86,000। और भाई यार इस वाली गाड़ी को सेल पे लगाने के बाद मेरे पास जितनी भी गाड़ियां बचेंगी उनको मैं एक साथ सेल पे लगा दूंगा। और फिर भाई यार हमारी ऑफिस के आगे कस्टमर्स का लगेगा मेला। अच्छा, हाँ बस थोड़ी देर में लगने वाला है। वेल गाइस यार जो गाड़ी हमने अभी अभी सेल पे लगाई थी उसे खरीदने के लिए एक कस्टमर आ चुकी है, चलो यार उससे बात करके देखते हैं। हाँ मैडम जी बताइए, गाड़ी की आप कितनी प्राइस दे रही हैं? अच्छा $1,61,000। वैसे यार गाड़ी की प्राइस तो मुझे ठीक ही लग रही है, लेकिन यार एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ कि मैंने सेल पे कितने पे लगाया था। ओ तो मैंने गाड़ी यार $1,86,000 पे सेल पे लगाई थी। ओके गाइस यार दूसरी कस्टमर से भी बात करके देख लेते हैं। हाँ यार ये गाड़ी के लिए $1,62,000 दे रही है, इससे भाई यार गाड़ी की प्राइस बढ़ाने के लिए कहते हैं। अभी ये क्या हो गया? और यार लग रहा है मैंने उसे $1,62,000 में ही सेल कर दी। हाँ यार मैं तो गाड़ी की प्राइस बढ़ाने जा रहा था, लेकिन यार पता नहीं ये क्या हो गया। खैर भाई यार चलो कोई बात नहीं, अब भाई यार हमारे पास टोटल 4 गाड़ियां बची हुई हैं, जिन्हें भाई यार मैं एक साथ सेल पे लगाने वाला हूँ। भाई यार मर्सिडीज की गाड़ी मेरे पास दो है, एक यार 2013 का मॉडल और दूसरा 2012 का। चलो यार जल्दी से सबको सेल पर लगाते हैं। पहली वाली मर्सिडीज को भाई यार मैं खरीद के लेके आया था $35,000 में, इसकी प्राइस मैंने रख दी है $85,000। दूसरी गाड़ी भाई यार है BMW, जिसे भाई यार मैं $1,02,000 में खरीद के लेके आया था, लेकिन भाई यार मैं इसकी प्राइस चेंज के कर दे रहा हूँ $1,52,000। अगली गाड़ी भाई यार है डॉज चैलेंजर, जिसकी यार प्राइस थी $47,000, जिसे मैं चेंज करके रख दे रहा हूँ $1,27,000 और इसे भी लगा देता हूँ सेल पर। अब भाई यार लास्ट गाड़ी हमारे पास मर्सिडीज की, जिसकी प्राइस थी $37,000, जिसे मैंने चेंज करके कर दिया है $97,000। अब भाई यार हमारी सभी गाड़ियां सेल पर लग चुकी हैं और यार कस्टमर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। भाई यार मैं चुपचाप किसी गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। ये वाले भाई साहब तो यार मेरी गाड़ी के पास आ रहे हैं, लग रहा है यार इन्हें यही वाली गाड़ी पसंद आ गई है। वैसे यार ये गाड़ी डॉज चैलेंजर दिखने में काफी ज्यादा सही लग रही है और यार येलो कलर में तो और भी मस्त लग रही है। हाँ भैया कितनी कीमत है? अरे यार ये तो $60,000 दे रहे हैं। इनसे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने BMW वाले कस्टमर के पास आते हैं, जो कि यार $1,52,000 कह रहा है। भाई यार ये तो सेम उतनी ही प्राइस दे रहा है जितने में यार मैंने सेल पे लगाया था, मतलब कि भाई यार अगर मैं इस कार की प्राइस बढ़ाऊंगा तो ये आसानी से ले लेगा। चलो यार इसकी प्राइस बढ़ा के देखता हूँ, इससे मैं बात करके देख रहा हूँ इसको मैं। अरे ये क्या हो गया भाई यार, फिर से सेल हो गई गाड़ी। यार जब भी मैं कार की प्राइस बढ़ाने वाला होता हूँ कि गाड़ी अपने आप सेल हो जाती है। वेल गाइस यार इधर ये अंकल जी मर्सिडीज के 2012 वाले मॉडल को 54,000 में खरीद रहे हैं, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें। अंकल जी आप ये गाड़ी $84,000 में लेंगे क्या? अरे यार इन्होंने तो मना कर दिया। इधर भाई यार एक और कस्टमर है, लेकिन यार ये तो सिर्फ $52,000 दे रहा है। अंकल जी तो यार इससे $2,000 एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं। वेट एक कस्टमर और आया है। लेकिन भाई यार मैंने अंकल जी से $64,000 मांगे, लेकिन यार अंकल जी ने फिर भी मना कर दिया। अच्छा अंकल जी आप $60,000 दे दीजिए। अरे यार ये तो मान ही नहीं रहे। रुको इन अंकल जी से पूछते हैं। भाई यार ये तो $55,000 में ले रहे हैं। अंकल जी आप बस $4,000 एक्स्ट्रा दीजिए और ये गाड़ी ले जाइए। ओके गाइस यार अंकल जी ने हमारी गाड़ी को $59,000 में खरीद लिया है। अब भाई यार हमारे पास दो गाड़ियां बची हुई हैं। इस वाली मर्सिडीज को खरीदने के लिए ये मैडम जी $54,000 और ये भाई साहब दे रहे हैं $52,000 और ये जो आखिरी कस्टमर है ये दे रहा है भाई $55,000। तो यार मैं इसी कस्टमर से प्राइस बढ़ाने के लिए कहूंगा, अगर भाई यार ये मुझे $60,000 देगा तो मैं इसे गाड़ी बेच दूंगा। ओके गाइस यार इसने $60,000 में अपनी मर्सिडीज खरीद ली। अब भाई यार लास्ट गाड़ी बची है, ये है डॉज चैलेंजर। इस गाड़ी को भाई यार खरीदने के लिए ये वाला कस्टमर काफी देर से खड़ा हुआ है, जो कि यार $60,000 दे रहा है, लेकिन यार मैंने इसको $1,27,000 में सेल पे लगाया था। $90,000 दो तो मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगा, लेकिन यार इसने तो मना कर दिया। चलो दूसरे कस्टमर से हम बात करके देखते हैं। भाई यार ये वाला कस्टमर तो सिर्फ $59,000 दे रहा है, चलो लास्ट वाले कस्टमर से भी बात करके देखते हैं। हाँ तो भाई यार ये कस्टमर सबसे ज्यादा कार की प्राइस दे रहा है $61,000, लेकिन यार फिर भी हम इससे भी प्राइस बढ़ाने की बात करेंगे $91,000 में। भाई यार देखते हैं ये कार को लेता है या फिर नहीं। अरे इसने मना कर दिया। कोई ना भाई यार हम $10,000 फिर कम करेंगे। $81,000 में फिर मना कर दिया। अच्छा चलो $71,000 में तो ले ही लेगा। अरे यार इसने फिर से मना कर दिया। भाई यार ये बंदा मेरा दिमाग खराब कर रहा है। $70,000 में भी भाई यार ये बंदा कार को खरीदने में नहीं तैयार था यार, इसलिए मैंने इसको $61,000 में ही बेच दिया। और यार इस बंदे ने मेरे दिमाग का दही कर दिया। हाँ तो भाई यार आप लोगों ने देखा कि गेम की स्टार्टिंग में हमारे पास $13,97,000 थे और अब हमारे पास $16,83,000, मतलब कि भाई यार हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है।